केमिस्ट्री क्लास नाउ बाप पेरियों सबक सोरों किमिया मसावात केमिकल इक्वेशन आओ या केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुला चन्ना अवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार असान जो के लेक्चर जा मौजू आए ने किमिया अमल केमिकल रिएक्शन किमिया मसावात केमिकल इक्वेशन किमिया मसावात मुतवाजन करण बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन असान पे जो के लेक्चर में खुसूसी तौर से कीमियाई मसावात केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा जी केमिकल इक्वेशन जा हिस्सा केमिकल इक्वेशन के क्या पढ़जे उन बैलेंस कजे इन बाबत अजो के लेक्चर में असि सिखंदी। केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय केमिकली चेंजिंग ओरिजिनल सब्सटेंसेस एकड़न शयन के कीमियाई तौर से बदलाए नयु शायण के अमल के असि कीमियाई अमल चवंदा। For example, A and B reacts and produces AB. A and B के असां जे करे कीमियाई तौर ते तब्दील कयूं तो असां के मिलंदो AB. Chemical reaction is written in two ways. One is descriptive and other is chemical equation. कीमियाई अमल के लिखण जा ब तरीका आहिनि, हिकिड़ो आहे डिस्क्रिप्टिव ऐं ॿियो आहे कीमियाई मसावात जी सूरत में लिखणु। डिस्क्रिप्टिव इज़ इन वर्ड्स, जो डिस्क्रिप्टिव वो तरीको है वो लफ्जन में लिखबो है। मिसाल के तौर ए रिएक्शन करे थी बी से पैदा थे तो ए बी अड़े किस्म जो कीमियाई अमल छह सतें के बार सिखण के लिए उन्होंने लफ्जन में लिखी दींदा आयूँ त ऑक्सीजन हाइड्रोजन पान में रिएक्शन कन थ त पानी जो मालिक्यूल ठहे तो या ए की जगह से मिसाल के तौर पर खो एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड पान में मिलंदन तो ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह वगैरह जैसे ते लफ्जन की सूरत में को भी कीमियाई अमल लिखो था तो उनके चाहबो है डिस्क्रिप्टिव तरीको। पर बो इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड, जो बो तरीको है वो है मसावात जो कीमियाई मसावात, उनमें कीमियाई अमल के मुख्तसिर कर लिखो वो फार्मूलन में निशानन में। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में समझू उनकी वस्फ लिखूँ तो अस चूं था केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। कीमियाई मसावात तमाम मुख्तसर मुख्तसर तरीन तरीको है जैमें कें भी कीमियाई अमल के असां शयुनि जे फार्मूला ऐं निशाननि जी सूरत में लिखंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही डिस्क्रिप्टिव तरीक़ो आहे जेको असां सवेर पढ़ियोसीं, उहो ही डिस्क्रिप्टिव तरीक़ो आहे जंहिंमें लिखत हुजे बयानु हुजे सॼो। वेन टू मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू मालिक्यूल्स ऑफ वाटर इज़ फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स केमिस्ट शो दिस रिएक्शन इज़ फॉलोज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ वाटर। हाँ ही एक लाइन में लिखल है टिन लफ्जन में समझो अखर में समझो पंजन अखर में टिन लफ्जन में लिखल है ही समूरो इनके रिप्रेजेंट करे तो इन तरीकेकार के अस चवंदा कीमियाई मसावात केमिकल इक्वेशन ही आए मुख्तसर तरीन तरीको कें भी कीमियाई अमल के लिखण जो केमिकल इक्वेशन ए केमिस्ट्री में अड़े ही तरीके से रिएक्शन लिखा वा। मेन पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कीमियाई इक्वेशन जा कीमियाई मसावात जा मुख्य जो हिस्सा हैं उहे ब या टे चई सकजन था। पहिरियों आहे रिएक्टेंट्स, द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। तीर के खाबे पास जो शूं लिखल होंदियों उन्होंने के असं चवंदा आहियूं रिएक्टेंट्स। ही शूं पाण में कीमियाई अमल कंदियूं। नंबर बियों जो हिस्सो आहे कीमियाई इक्वेशन जो वो है प्रोडक्ट, द सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स एंड रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। तीर के सजे पास जो शूं लिखी वन उनके असं प्रोडक्ट चवंदा आहियूं। या प्रोडक्ट इन शान में मिलण के करे इन शान में कीमियाई अमल करण के करे ठहंदी आहे। मेन हिस्सा ये बन एकड़ो आहे रिएक्टेंट्स तीर का खबे पासे वारो ऐं बियो हुंदो आहे प्रोडक्ट तीर का सजे पासे। टियों जो है वो है एरो, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एन अदर बाय यूजिंग सिंगल एरो आर डबल एरो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन।
सिंगल एरो जो तुम मथे ऐसो था वो सिंगल एरो अस किताबन में कीमियाई अमलन के दिखाने के लिए अड़ो ठयल हों जडे तो डबल एरो हों वो अध भगल हों तीर जो मुँह एक पास हों बे तीर जो मुँह बे पास हों इन से भी कीमियाई अमल के जाहिर किया इन जो इनहिसार है यो डिपेंड करे तो रिएक्शन कड़ी टाइप जो जैसे अणमोट रिएक्शन है इररिवर्सिबल है शूं पा में मिलियं एकड़ी अड़ी शै ठही वही जी वरी वापस त्रोड़े तू ना सो तो रिएक्शन से जाहिर कबो मिसाल के तौर पर पन्ने के तुम जैसे तीली दियो दादा खाक ठही वही तो हाँ खाक में वो पन्नो तुम ना सो अड़े रिएक्शन के इन तीर से सिंगल हेडड एरो से जाहिर कबो आंद डबल हेडड एरो मिसाल के तौर पर सागे रिएक्शन के अस डबल हेडेड एरो से भी जाहिर कर सकूँ था तो हाइड्रोजन ए ऑक्सीजन के मिलाई तो पानी ठहो वरी पानी के अस बिजली जो करंट दींदी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिली इनके चबो है रिवर्सिबल रिएक्शन जो वापस मोट खाए सो मेन पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन अस कड़ा दसियासी एकड़ो है रिएक्टेंट कीमियाई अमल कदड़ शूँ बो है प्रोडक्ट कीमियाई अमल के नतीजे में ठहड़ शूँ अदर पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कीमियाई मसावात जहाँ बया भी हिस्सा थन्दा मिसाल के तौर पर कोएफिशंट द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड एज अ कोएफिशंट विच शोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट कें भी फार्मूला या निशानी के अगर इतने सिर्फ किताब में लिखल है द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फार्मूला पर नरगो फार्मूला कें भी सिंबल के अगर भी असो है सो यो कोएफिशिएंट अंगन की सूरत में लिखल मिल इन अंग के जो कें भी निशानी या असाजे फार्मूला के अगर लिखल होजे तो उन सदूँ था कोएफिशिएंट मिसाल के तौर पर मथे असें दिखार है टू पोटेशियम क्लोरेट टू पोटेशियम क्लोरेट ही जो बे यो कोएफिशिएंट आ टू पोटेशियम क्लोराइड ही जो बे यो कोएफिशिएंट आ थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या थ्री ऑक्सीजन इो जो थ्री आको कें भी निशानी के अगर कें भी मुरकब के अगर कें भी मुरकब के अगर लिखल आ उनके सदूँ था कोएफिशिएंट तेजे करे ही वारो टू हुए जो फार्मूला के अगर लिखल आ या ही वारो टू हुए फार्मूला के अगर लिखल आ या ही वारो थ्री हुए ये अंग कोएफिशिएंट असां सदूँ था तो भले रिएक्टेंट के पास दे होजन या प्रोडक्ट के पास दे होजन तो इन अंग के असंदी कोएफिशिएंट यो अस दसिंद नंबर ऑफ मोल्स टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड थ्री मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बो है सबस्क्रिप्ट द एक्सप्रेशन एस जी एंड एल शोज द स्टेट सॉलिड गैशियस एंड लिक्विड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ही जो हेठा एस लिखल है सब माना हेठा स्क्रिप्ट माना लिखत ये जो हेठ लिखत है इन के असं सदूँ था सबस्क्रिप्ट ही एस यानि सॉलिड ही जी शॉलिड होंगी नहरी सूरत में होंगी ही जो एस थी बुधाए तो पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड हों जी माना यह ऑक्सीजन गैस की सूरत में मिली या सबस्क्रिप्ट असाई है अंसर या मुरकब कड़ी हालत में मिल सॉलिड हों गैस हों या लिक्विड हों द एक्सप्रेशन ए क्यू एक्सप्रेस इज दी सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन जैसे कें भी शे के हेठा ए क्यू लिखल हो उनको मतलब है अक्वस अक्वस माना पानी में मिलल शे मिसाल के तौर पर लूण ए पानी पान में मिलो तो तुम सोडियम क्लोराइड एडो लिख पर उनके हेठा लिख ए क्यू सबस्क्रिप्ट में लिखोस तो यानी यो अक्वस फॉर्म में कड़े कड़े अंग भी हूँ ये जे अंग इन भी सबस्क्रिप्ट चबो आ ही वारा जे अंग ये सबस्क्रिप्ट ही भी सदबा यो तरी स्टेट ऑफ मैटर न बुधाई पर तुम्हें बुधाई तो ये शे ऑक्सीजन जी वह मालिक्युलर फॉर्म में आ जी ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन हो बेठा टू हों एच टू क्लोरिन हो सी एल टू फ्लोरिन हो एफ टू इो अस सबस्क्रिप्ट बुधाई तो ये एलिमेंट मालिक्युलर फॉर्म में होंद है नंबर टो है कैटलिस्ट सिंबल आर फार्मूला रिटन ओवर द एरो इज कैटलिस्ट इट्स एन एक्सीलोरेटिंग एजेंट तीर के मथा जैसे का भी शिखल है फार्मूलो हो मैंगनीज डाइऑक्साइड वागुर या वो सिर्फ एक अंसर हो सिर्फ मैंगनीज हो सिर्फ आयरन हो तो वो कैटलिस्ट के जाहिर कह कैटलिस्ट हों एक्सीलरेटिंग एजेंट हों यानी वो रिएक्शन के तमाम तेज कह तकड़ो कह मिसाल के तौर पर यह पोटेशियम क्लोरेट
जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड इस्तेमाल न क्यों इन के अस हीट से ट्रोड़ गर्मी से अस ट्रोड़ त असा पोटेशियम क्लोराइड या ऑक्सीजन तो मिलो पर वो तमाम देर से मिल आहिस्ते आहिस्ते मिल सिर्फ गर्मी से जैसे डेल्टा एच से जाहिर कबो आ त्रिकोण दई कर एच डेल्टा एच यानी चेंज इन हीट जैसे अस पोटेशियम क्लोरेट के रुगो गर्मी से ट्रोड़ीदी तो असेंगे एक कलाक में बिन कलाकन में टिन कलाकन में ऑक्सीजन थोड़ी मिली मिसाल के तौर पर सिलेंडर मिलो मरीजन के ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुँचाई या इंडस्ट्री में तैयार थे थीड़ो सिलेंडर मिलो टिन कलाकन में पर जी अस पोटेशियम क्लोरेट से गडो गड मैंगनीज डाइऑक्साइड विजासी गर्म कदासी तो एक कलाक में असेंगे चार सिलेंडर मिली वा पंज सिलेंडर मिली वा ही रिएक्शन के एक्सिलरेट कहना केर कैटलिस्ट ये अदर पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कीमियाई वसफ ए कीमियाई मसावात जहाँ हिस्सा पढ़ने का जरूरी है तो एक केमिस्ट्री के शागिर्द के केमिकल इक्वेशन रीड कर अचे तो उनके पढ़ज क्या मिसाल के तौर से ही एक केमिकल इक्वेशन दिनल है जैमें पानी ठहे तो इनके क्या पढ़ज इन लाइ जरूरी है तो कीमियाई इक्वेशन के हिस्सन के नजर में रखंदे कीमियाई मसावात पढ़ो मिसाल के तौर से कोएफिशिएंट में नजर में हुए ही मालिक्यूलर हाइड्रोजन मालिक्यूलर ऑक्सीजन भी तक जहन में अचे सो तक सही तरीके से पढ़ो टू मोल्स ऑफ मालिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस टू मोल्स ऑफ वाटर हाँ दिसो ही जो प्लस अची वो इन के असा पढ़ू था रिएक्ट विथ रिएक्टेंट साइड डा जो प्लस अचे तो तक रिएक्ट विथ पढ़ो इं न पढ़ो तो टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इनके बेहतर तरीके से कीमियाई तरीके से पढ़ो रिएक्ट विथ टू मोल्स ऑफ मालिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वन मोल ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस इन तीर के पढ़ू था एंड प्रोड्यूसेस टू मोल्स ऑफ वाटर यो है कें भी कीमियाई इक्वेशन के पढ़ने जो तरीके का मिसाल के तौर पर बी इक्वेशन खड़ूँ उनमें पोटेशियम क्लोरेट है एडो तुम बहुत वही तैयार थियन थी हाँ प्लस जी वह रिएक्टेंट का फिरी कर प्रोडक्ट साइड अची वही तो इनके क्या पढ़ज इनके अस पढ़ी टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज प्रोड्यूसेस टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड थ्री मोल्स ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन हाँ हेड़ा जो प्लस अची वही उनके अस पढ़ू एंड करे यो तक ध्यान में रखन घुर्ज जै प्लस रिएक्टेंट ना आई तो रिएक्ट विथ कर पढ़ोस जैसे वही या प्लस जी प्रोडक्ट ना अचे थी तो अस इन एंड कर पढ़ू था सो इनके अस पढ़ी टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड थ्री मोल्स ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन एंड थ्री मोल्स ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हाँ कीमियाई मसावात समझ में अची वही उनका हिस्सा समझ में अची वह उनके पढ़ने अची वो तो उन कीमियाई इक्वेशन के बैलेंस क्या कज कदें कदें बार जे कीमियाई मसावात के पढ़ी तो वादा उनके समझी भी वादा पर उनके बैलेंस ना कर सकता मिसाल के तौर से एक केमिकल इक्वेशन दिनल है किताब में वन मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज डिकम्पोज टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड वन मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन मालिक्यूलर भी कोने का हाँ असा चा कंदी नंबर पहरों इन जो उसूल है राइट द करेक्ट सिंबल्स फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो तीर के सजे पासे सही फार्मूला निशानियों लिखो तीर के खबे पासे सही फार्मूला सही निशानियों लिखो इन में ऐसो तो जो फार्मूलो है या निशानी है वह थोड़ी उनमें गलती थियल है ओ जो उनके हेठा टू ही छो तो यो कदें भी ऑक्सीजन अकेली को होंगी यो एलिमेंट है मालिक्यूलर एलिमेंट है तो इनके टू ही मस्ट राइट डायटामिक मालिक्यूलर एलिमेंट्स इन देयर प्रॉपर फॉर्म जी भी डायटामिक मालिक्यूलर एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर फॉर्म में लिखो मिसाल के तौर से एच टू ओ टू या एन टू एंड हेलोजेंस फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन इनके अस पढ़ा हूँ मालिक्यूलर फ्लोरिन मालिक्यूलर क्लोरिन मालिक्यूलर ब्रोमिन मालिक्यूलर नाइट्रोजन मालिक्यूलर ऑक्सीजन ये जी सत अठ जी ता एलिमेंट आन ये किथे भुजन तेठा पा ही टू डेई छी नंबर बो उसूल है राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड एडो इन हेठा तुम
हन अंसर के एटमन तादाद लिखो पोटेशियम घणो आठ लिखो क्लोरीन घणो आठा लिखो ऑक्सीजन घणी आ टे तो लिखो वरी हेटा लिखो पोटेशियम सागो एक क्लोरीन सागो एक ऑक्सीजन एक ये असेंगे प्रोडक्ट ए रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स लिखना पवंदा। नंबर टो इफ द नंबर ऑफ एटम्स में अपीयर मोर आर लेस देन अदर साइड जैसे एकड़े पासे जा एटम बे पासे जे एटम का घट था लगन तो कंदी बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड उनके इंस्पेक्शन मेथड के जरिए इक्वेशन के बैलेंस कंदा वो मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट विद न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट ही तक जहन में रखो आ मेन शे आए तो कीमियाई मसावात के बैलेंस करण लाय कोएफिशिएंट जो असा इस्तेमाल कंदी उनके जरब कंदी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट का हाँ न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इतने तो मौजूद आ टे पर क्लोरीन के हेठा को पोटेशियम के हेठा को जैसे हेठा मौजूद न हो उनको एक समझंदी तेज करो कोएफिशिएंट हो तभी ट्रिक छह आइटम अस समझंदी इनके एक बिकाई बनके एक बिकाई बो अस याद रखो आ केमिकल इक्वेशन के बैलेंस करो मेन फैक्टर जो है कोएफिशिएंट। नंबर चार फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर दैट नंबर एंड काइंड ऑफ आइटम आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आखिर में तक कीमियाई मसावात के चेक करो पव पक करनी पवी तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड डा एटम सागा एक जितरा इफ यस जर ये ही नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड ती कीमियाई मसावात बैलेंस है। मिसाल के तौर पर जर इन ही कीमियाई इक्वेशन के खड़ू जस पढ़ू था पाया किताब में भी आई मिसाल के तौर पर दिनल है द वन मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज डिकम्पोज टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इनमें इतनी गलती है नंबर पे उसूल मूजिब राइट द करेक्ट सिंबल्स फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो तीर जो सजो पासो है जो खबो पासो है उनके पास जे भी फार्मूला निशानियों दिनल उन सही सूरत में लिखो सो असं पोटेशियम क्लोरेट सागो ही रखे पर इन हेठा अस सबस्क्रिप्ट डी एस त यानी यो सॉलिड फॉर्म में होंद पोटेशियम क्लोराइड इतने भी असं सबस्क्रिप्ट एस डी ओ के हेठा सबस्क्रिप्ट अस टू ए जी दिनो त यानी ही मालिक्यूलर फॉर्म में थी अकेलो को सो पे दुरुस्तगी तंदा इंस्पेक्शन मेथड के जरिए। नंबर बो राइट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑन ईच साइड हाँ रिएक्टेंट साइड अस इन आइटमन आइटमन जो किस्म नंबर लिखंदी ए प्रोडक्ट के पास डा आइटमन जो किस्म में उन्होंने नंबर लिखंदी पोटेशियम ये पोटेशियम वन क्लोरीन क्लोरीन भी एक आइटम ऑक्सीजन ये टे आइटम तो ऑक्सीजन अस लिखी टे आइटम ही है रिएक्टेंट के पास डा ये वरी अस प्रोडक्ट के पास डे वो तो पोटेशियम सागो एक क्लोरीन सागो एक ऑक्सीजन हेठा बे तो अस लिखी ऑक्सीजन जहाँ ब आइटम हाँ असं दिसूँ तो बी पान में बराबर आन पोटेशियम एडा भी एक एडा भी एक क्लोरीन एडा भी एक है एडा भी एक है जैसे ऑक्सीजन एडा टे एडा बे सो एडा वो पासो बराबर को हाँ असं कंदी उसूल खणंदी। नंबर टो इफ द नंबर ऑफ आइटम्स में अपीयर मोर आर लेस देन अदर साइड जैसे पास आइटमन जो तादाद घट वध नजर अचे तो बैलेंस द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट विद न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट हाँ कोएफिशिएंट के अस खणंदी उन गडो गड इन अस बैलेंस कंदा वेंदासीं हेड़ा असा कोएफिशिएंट दिनोसी रिएक्टेंट साइड डा टू पोटेशियम क्लोरेट हेड़ा बस टू लगाया जी टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस थ्री असा दूँ हेड़ा ऑक्सीजन के लिए तो हाँ रिएक्टेंट जर अस गण्यूं तो रिएक्टेंट थी वो पोटेशियम जहाँ बेडों आया क्लोरीन जो हेडों ब अची वो ऑक्सीजन जो हेडों टे बिडू छह इतने असं दिनोसी क्लोरीन के हेठा एक ही आज कर एक बिकाई क्लोरीन ब पोटेशियम के हेठा बेक तो कोएफिशिएंट का जरब कर एक बिकाई ब हाँ एडा हिं ही वो जो कोएफिशिएंट आ बो प्लस के सिर्फ इन तीन लागू थी पर पास नीन ये अलग अलग शन अलग प्रोडक्ट हैं सो पोटेशियम सागो ही ब क्लोरीन ब पर इन टिन के बिन से जरब कंदी तो टिडू छह ऑक्सीजन थी वो छह हाँ बई पासा बराबर आन तो असि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जी है टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड थ्री मोल्स ऑफ मालिक्यूलर ऑक्सीजन इं अस जो शॉर्ट तरीको है इन शन के बैलेंस करण जो केमिकल इक्वेशन के उनके असूँ तकड़ तकड़ में ये कर सकूँगा किताब में दिनल है तो बबा पोटेशियम क्लोरेट के अगर भी चार लिखो पोटेशियम क्लोरेट के अस अगर चार लिखियासी
वरी सागो ही पोटेशियम क्लोराइड जे अगाम चे तो चार लिखो एराम चार लिखा जी हाने चवे तो इने के बैलेंस कयो त असा बैलेंस करण जे ला छा कंदा जी त दिसौ दा चार पोटेशियम एडाइन चार एडाइन चार क्लोरीन एडाइन चार क्लोरीन एडाइन हाने ऑक्सीजन इते 3 आ हेडो त अगा कोएफिशिएंट 4 त ए थी वे ट्रिचोंक 12 ऑक्सीजन इते त 2 त हाने असा इते केड़ो अंक देऊ जको असा के 12 जो तादाद दे यानी बिन जा कोएफिशिएंट एड़ो देऊ जको ज़र्ब क्यों त 12 अची सही जवाब आहे 6 इते असा 6 दींदा जी इन कोएफिशिएंट ते बिन जे अगाऊ असा दनो जी 6 हाने असा जो हे भी थी वयो बिच का 12 हाने बई पासा बराबर है सो ये जेकर वरी हेटी इक्वेशन के असा दिसौ त कैल्शियम कार्बोनेट आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सा रिएक्शन करे दो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाने हते कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम सा गड ता के क्लोरीन मिलेल है त वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस्तेमाल थी कैल्शियम ब इलेक्ट्रॉन दींद है इन के क्लोरीन बूंदी पर बी बूंदी सो अस सब का पैर क्यों तो सही इक्वेशन था लिखूँ जहाँ बिन्हीं पास का असें सही फार्मूला दे हाँ सही है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इतने गलती हुई 2 को होते असा यो सही लिखो जी एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाँ बैलेंस इनके क्यों तो एडो कैल्शियम एक एडो एक क्लोरीन एडा बही एडा क्लोरीन एक हाइड्रोजन एडा बही एडा हाइड्रोजन एक इनके असा कह पैर इनके कोएफिशिएंट दूँ वायूस तो जी उन्होंने बराबर थे सो इतने अस दूँ था 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के अगर दिनों जी अस 2 हाँ ऐसो तो ब हाइड्रोजन एडा थो ब हाइड्रोजन प्रोडक्ट डा थो ब क्लोरीन थी रिएक्टेंट डा ब क्लोरीन थी वो एडा ये बई थी बैलेंस कैल्शियम एकड़ी कैल्शियम एडा बे कई हेडो ऑक्सीजन बड़ी ये 3 हेडो ऑक्सीजन 3 तेज कर बई पासा थी वह बराबर सो ये कें भी कीमियाई मसावात के बैलेंस कबो है वरी हाजिर थी नए वीडियो से गुड वीडियोस ला रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।